أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزء نمبر 4 سورة آل عمران آية نمبر 135

और कौन है जो या बख्श दे गुनाहों को इल्ला सिवाय अल्लाह के वलम और नहीं युसर वो इसरार करते आला ऊपर उसके मा फलू जो उन्होंने किया है वह हम जबकि वो या आलमून वो जानते हैं तो आप आयत नंबर 135 में देखिए कि आप इसमें वो कौन है जो गुनाहों को माफ कर दे सिवाय अल्लाह के कहा जा रहा है कि फौरन अल्लाह के जिक्र में लग जाते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं ये कुछ अल्लाह के प्यारे बंदों का जिक्र हो रहा है असल में पीछे जो बात हुई है ना कि जिस तरीके से पिछली आयत की तफसर में मैं आपको सारी दोबारा बता देती हूं कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में पीछे आयत में बताया ना कि मैंने जन्नत तैयार करके रखी है मुतकीन के लिए फिर अल्लाह ताला ने बताया पिछली जैसे थर्टी थ्री में वन थर्टी थ्री में अल्लाह ने बताया कि मैंने जो कुछ लोग हैं इस तरह के कि जो मफफरत अपने रब की तरफ चाहते और जन्नत जिसकी चौड़ाई के बहुत ज्यादा और आसमान और जमीन से ज्यादा है वो इद्दत वो इद्दत लिल तैयार की गई है मुतकी लोगों के लिए फिर उनकी सिफ बताई गई है वन थर्टी फोर में कि वो लोग खर्च करते हैं खुशी में भी और तकलीफ में भी यानी उनके पास अगर ज्यादा हो तो भी वो अल्लाह की राह में देते हैं और कम हो तो भी ये पस मंजर बता रही उन लोगों का बल काजी और जब्त करते हैं गुस्से को वन थर्टी फोर में जैसे अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो जब्त करते हैं गुस्से को और बल आफीना और दरगुजर करने वाले लोगों को लोगों को माफ करते हैं दरगुजर करते हैं वाहु और अल्लाह युहिब्बुल महसिन मोहब्बत रखता है किससे महसिन से कौन है महसिन एहसान करने वालों से जो लोगों के साथ एहसान करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है ये उन्हीं एहसान जो मोहसिन हैं जो एहसान करने वाले हैं 135 में आगे उन्हीं का जिक्र आया है यानी एक सौ तैतीस और चौंतीस में अल्लाह ने उनकी तारीफ बताई और उनके बारे में बताया कि वो ऐसे लोग हैं इनके लिए जन्नत तैयार की गई है और क्यों क्योंकि वो हर हाल में अल्लाह की में माल खर्च करते हैं उनके पास कम हो ज्यादा हो खुश हो नाखुश हो हर सूरत में वो अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं उनको गुस्सा आता है क्योंकि वो इंसान है लेकिन माफ करते हैं दरगुजर करते हैं सबको माफ करते हैं अन लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं और अल्लाह मोहब्बत रखता है एहसान करने वालों से तो जब अल्लाह ने ये बता दिया कि मोहब्बत करता है उन लोगों से कि जो एहसान करते हैं तो फिर आयत नंबर 135 में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग कौन से लोग जिनका पीछे जिक्र हुआ ना एहसान करने वाले कि जब वल्लजीना इजा आलू और जब वो लोग जो करते हैं फाहिशतन कोई बेहयाई यानी फौरन अल्लाह के जिक्र में लग जाते हैं और और मा, है अल्लाह ताला तो जब वो जिक्र करते हैं वल्लाजीना और जो लोग कर बैठते हैं यानी फौरन अल्लाह के जिक्र में लग जाते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और फिर फरमाया ना आगे के, और कौन है जो गुनाहों को माफ कर दे सिवाय अल्लाह के और अपने किए पर इसरार नहीं करते और वो जानते हैं कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक مرتبہ इब्लीस ने कहा मेरे रब मुझे तेरी इज्जत की कसम कि मैं इब्ने आदम को आखिरी दम तक वरगलाता रहूंगा अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे मेरी जह व जलाल और इज्जत की कसम जब तक वो पक्षिश मानते रहेंगे मैं भी उन्हें बख्शता रहूंगा ये नहीं बोला कि गलती नहीं होगी तो पता क्या चलता है पता चलता है कि गलती तो होगी सारे बनी आदम खताकार हैं लेकिन बेहतरीन गुनागार कौन है तौबा करने वाले यहाँ से तौबा की अहमियत पता चल रही है ये इब्ने माजा की रिवायत है कि सारे बनी आदम खताकार हैं और बेहतरीन कौन है तौबा करने वाले और अल्लाह ताला को बंदे का तोबा करना इतना पसंद है इतना पसंद है कि इसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर तुम गुनाह न करो तो अल्लाह तुमको ले जाए और ऐसे लोग फिर तुम्हारी जगह ले आए जो गुनाह करे और फिर अल्लाह से उन गुनाहों की माफी तलब करे और फिर अल्लाह उनको बख्श दे अल्लाह अकबर कबीरा क्यों क्योंकि अल्लाह को बख्श देना बहुत पसंद है तो आप ये देखिए कि शैतान इंसान को मायूस कर देता तुम तो गुनाह कर बैठे हो अब तो तुमसे अल्लाह नाराज हो जाएगा जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को माफ करना इतना पसंद है कि अगर बंदे गुनाह ना करें तोबा ना करें अल्लाह की तरफ ना पलटे तो फिर अल्लाह चाहे तो उनकी जगह किसी दूसरों को ले आए जो अल्लाह फिर वो गुनाह भी हो और अल्लाह से तौबा भी करे अल्लाह को तौबा बहुत पसंद आती है ये सारी बात जो हो रही है ना वो यहाँ से ये निचोड़ निकलता है कि अल्लाह को तौबा बहुत पसंद आती है अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा पसंद करता है और अल्लाह जो है वो तवाबीन से यानी तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है जो लोग भी तौबा करते हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं तौबा होती कब है सोचे ना कब होती है तौबा जब गुनाह हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि जान गुनाह कर गुना करें बल्कि इसका मतलब यह है कि जब कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करें तौबा करने में देर ना करें क्योंकि जब इंसान होने के नाते अगर कोई शख्स गलती कर बैठे तो फिर उस पर डट के बैठा ना रहे ठीक ना बने बल्कि गलती को मान जाए और तोबा करे देखिए तोबा की भी आगे दो तरीके हैं। एक होती है तौबा ज़बानी कलामी इस्तिगफार एक होती है अमली इस्तिगफार क्या कैसे यानी कि एक ये ना कि ज़बानी इस्तिगफार करना नफिल पढ़कर तौबा इस्तिगफार कर लेना और फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक होती है अमली इस्तिगफार अमल से भी अपने इस्तिगफार को वाज़े करना और फिर इसी सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु ने फरमाया हदीस है कि जो शख्स मुझ जैसा वजू करे इसका मतलब क्या बनता है यानी अच्छी तरह वजू करे फिर दो रकत नमाज अदा करे जिसमें अपने दिल से बातें ना करे यानी इधर उधर की बातें सोचे नहीं कि दिमाग इधर जा रहा है उधर जा रहा है तब बस जिसम लेके जा नमाज पे खड़े नहीं बल्कि दो रकत नमाज अदा करे जिसमें दिल से बातें ना करे यानी इधर उधर की सोचे नहीं ये नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छा वजू करे और फिर अपनी तवज्जो बरकरार रखकर और फिर तौबा करे तो अल्लाह ताला उसके सारी गुनाह माफ कर देता है अल्लाहू अकबर क्या प्यारी हदीस है कि देखिए ना सोचने की बात है ना यहाँ से समझ में आ रही बात है बात कि जो शख्स भी तौबा करे अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा कि फरमाया कि अच्छे से वजू करो और वजू करने के बाद अच्छे से अपने जहन को इधर-उधर बांटो तो नहीं कि बिल्कुल यकसू होकर अल्लाह की तरफ लगाकर बिल्कुल यकसू होकर अल्लाह ताला से माफी मांगो कि ये हमसे गुनाह हो गया ये गलती हो गई अब हम अल्लाह तुझसे माफी चाहते हैं तो तोबा इसको कहते हो तो फिर अल्लाह ताला तौबा तो को कबूल कर लेता है और फिर ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो अल्लाह अकबर ये सब मेरे नबी के हदीस का मफो बता रही हूं और फिर ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो और जिसने गुनाह की माफी मांग ली उसने इसरार नहीं किया और जिस और अव्वल दर्जे में देखिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान पहली बात तो ये है कि इंसान जो है ना वो गुनाह से बचे लेकिन अगर इंसान है ना बंदा बचारी हो जाता है और अगर हो जाए तो फिर क्या करे फौरन तौबा करे फिर ये ना सोचे अब अब मैं कैसे तौबा करूं अब मैं किस मुंह से तौबा करूं मैंने तो ये कर दिया मैंने तो बंदों का हक मारा तो तौबा करे अल्लाह से बंदों से भी माफी मांगे अगर बंदों के हक में गुनाह यानी ज्यादती हो जाए गईबत हो जाए तो भी फौरन माफी मांग लेनी चाहिए डटे नहीं रहना चाहिए देखिए इंसान है ना का गुस्से में आ जाता है कोई तीबत कर बैठता है कोई शिकायत कर बैठता है कोई तो फिर डटे नहीं रहना चाहिए अड़े नहीं रहना चाहिए उसी पर कार्बन नहीं रहना चाहिए बल्कि इंसान को आगे की आखिरत की कामयाबी के लिए तोहबा में देर नहीं लगानी चाहिए क्यों क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है ना और अगर दूसरे लोग करें ना तो उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए कि किसी ने एक बात बताई तो आगे से बढ़ चढ़ के दो चार बातें और बता दी लाओ मैं भी बताती हूँ हाँ, ऐसा ही है मैंने भी सुना है बिल्कुल ठीक है तो देखे उसका हिस्सा इस तरीके से नहीं बनना चाहिए क्योंकि अल्लाह जो है ना अल्लाह ताला के पास तो सब चीजें नोट, नोट हो रही है ना हमारी सब चीजें नोट हो रही हैं तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने दोबारा जैसे अर्ज कर दूं कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब और वो वो लोग जब आ, आ, ऐसा कोई काम कामिशन यानी कि देखिए ख्वाहिशा का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला कोई खुदा ने कोई बहुत बड़ा गुना हो जाएगा या कोई आ, 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 ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जिस पे हद लग जाए लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक तो झूठ बुराई बुराईबत ये सब भी तो छोटे जितने भी गुना है ना जिन्हें हम छोटे गुना समझते हैं ये सब भी गुना है तो जो अल्लाह तला को गुस्सा दिलाते हैं वो सब भी गुना है तो जो जो भी गुना कर बैठे तो फिर उस अल्लाह ताला से फौरन माफ़ी मांगे क्योंकि अल्लाह ताला माफ करने को पसंद करता है या फिर अपनी जान पर औुम अपने अपने नफसों पर जुल्म कर बैठे अपने नफसों पर जुल्म कर बैठे क्योंकि देखें अपने नफ्सों पर जुल्म क्या है जब हम नमाज नहीं पढ़ते या हम कोई और काम करते हैं इस तरह का तो हम हम दूसरों की भी करते हैं तो हम ये समझते हैं हम दूसरों की या कोई और काट करते हैं या कोई और नुकसान करते कुछ भी करते हैं। तो हम ये समझते हैं ना कि हम तो दूसरे का नुकसान कर रहे हैं नहीं हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं और जब हम किसी को माफ करने की बात आती है तो हम समझते हैं हम किसी के दूसरे को फेवर दे रहे हैं नहीं वो खुद को फेवर दी जा रही होती है अल्लाह राजी हो रहा होता है खुद गुनाहों के बोझ तले से भी इंसान निकलता तो अल्लाह ताला ने ये जो सिर्फ बताई ना यहबुलमोसिन की एहसान करने वालों की जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है कि वो लोग जब कोई भी गुनाह कर बैठते हैं कोई भी हयाई कर बैठते हैं कोई ऐसा काम जो अल्लाह को नाराज करने वाला है या कोई अपनी जान पे जुल्म कर बैठते हैं क्या करते हैं जक्ला वो याद करते हैं अल्लाह को माफी मांगते हैं भी अपने गुनाहों पर यानी कि अल्लाह का जो जिक्र है एक बात यहां से और समझ में आ रही है ना कि जो अल्लाह का जिक्र है वो इंसान के गुनाहों को मिटाने का सबब बनता है तो अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला माफ करने वाला है अब देखें कि जक जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा अल्लाह तला के जिक्र में लग जाएगा माफी में लग जाएगा फर्स्ट तक परू तो फिर अल्लाह तक बस माफी मांग मांगते हैं जुनूब हम अपने गुनाहों पर और फिर माफी भी मांगते हैं तो वह जुनूब कौन है जो बख्श दे गुनाहों को सिवाय अल्लाह के कौन है जो गुनाहों को बख्श दे तो बंदा अल्लाह के आगे आजिज होना चाहिए तो फिर अल्लाह जब आजिज होकर हो, बंदा उसकी तरफ आता है ना तो अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है और अल्लाह ने अल्लाह के सिवा तो फिर कोई बख्शने वाला है ही नहीं ना तो किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है एक किसी और अगर देखें तीन बातों का निचोड़ समझ में आता है कि इस पूरी आयत के अंदर कि कोई भी बुराई का काम हो जाए तो जैसे अल्लाह ने मिसाल दी ना कि जो लोग एहसान करने वाले हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और उनका काम क्या है कि जब उनके हाथ से उनके अमल से कोई भी गुनाह का काम हो जाता है तो वो फौरन अल्लाह जक्र वो अल्लाह की याद में लग जाते हैं बस माफ़ी मांगते हैं दूसरा काम यह है पहले अल्लाह का अल्लाह का जिक्र करते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं भी हम अपने गुनाहों पर फिर अल्लाह ने कहा कि और कौन है जो बख्श दे गुनाहों को सिवाय अल्लाह के यानी अल्लाह के सिवा तो कोई बख्शने वाला नहीं तो जो भी कोई मसला है वो अल्लाह से बयान किया जाए वलम यू और वो इसार नहीं करते अलामाफा आलू जो वो उन्होंने किया होता है अलामाफा आलू जो उन्होंने किया होता है वह हम जबकि वो जानते हैं यानी कि उन्होंने जो गुना किया है ना उस पर फौरन माफी मांग लेते हैं डटे नहीं रहते कि बस अब कर बैठे हैं तो अब हम तो तो हम सारी उम्र इसकी ही करते रहेंगे अब इस इस बंदे में ये बुराई है जो सही तो हमने तो बयान करनी करनी है ऐसा नहीं है अगर इंसान है ना बंदा बशर गलती हो जाती है इंसान से तो अल्लाह ताला ने ये दरवाजा तोबा का खुला रखा है और अल्लाह ताला ने ये बातें हमें कुरान में क्यों बताई इसीलिए कि अगर अल्लाह किससे मोहब्बत करता कितने तरीके से बता रहे कितनी खूबसूरत तरीके से कि हमें आ, आ, और इंसानों को आखिरी इंसान तक को ये पैगाम पहुंच जाए कि अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है और अगर ऐसे लोगों से भी गलती मुमकिन हो सकती है यानी जो बहुत नेक लोग होते हैं उनसे भी गलती मुमकिन हो सकती है क्योंकि इंसान बंदा बशर है कोई फरिश्ता तो नहीं है कि वो गलती नहीं करेगा तो अगर गलती हो जाए तो मकसद सारा कहने का ये है कि उस गलती पर चाहे वो दूसरों के हक में हो या फिर हमारे अपने हक में हो कि हमने अपनी जान पर जुल्म किया हो लेकिन उस पर जमे नहीं रहना है बल्कि अल्लाह का जिक्र करना है तोबा करनी है इस यकीन के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई भी हमारे गुनाहों को बख्श नहीं सकता इसरार नहीं करना यानी कि बार बार वो गुनाह करने की आदत ही नहीं बना लेनी एक दफा तो शैतान ने करवा दिया सो करवा दिया हो गया गलती से लेकिन अब ये नहीं कि उसको आदत का हिस्सा ही बना लो कि बस अब हमेशा हमने यही करते रहना नहीं फौरन अल्लाह को राजी करें अल्लाह को मनाएं अल्लाह ताला ये अपने प्यारे बंदों की सिफ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं आप और मैं भी इस सिप को अपनाए अच्छा आगे भी अब आयत नंबर 136 पे जाती हूँ आगे भी इसी मजमून को लेकर अल्लाह ताला ने जो बात की है ना कि उलाय का यही लोग हैं कौन से ये जो पीछे जिक्र आ रहा है एहसान करते हैं तौबा में देर नहीं करते अल्लाह ही से तोबा करते हैं अल्लाह ही से माफी मांगते हैं कोई भी बात हो जाए उला और अगर उनको कुछ चाहिए तो भी वो अल्लाह ही से मांगते हैं लोगों के आगे रोते हैं। नहीं है बैठ के अल्लाह के आगे रोते हैं अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह से माफी करते हैं अब 136 थर्टी सिक्स पर आइए उलाई का यही लोग हैं जज बदला उनका मकतीरा तुन है मेर वीम उनके रब की तरफ से वह जन्नात और बागात हैं तजरी बहती हैं मिनतहतील अनहारू उनके नीचे नहरें अनहार कहते नहरे नहर नहर की जमा को अनहार कहते हैं ना नावालीना हमेशा रहने वाले हैं फीहा उनमें वह न और कितना अच्छा है अजर आमिलीन अजर अमल करने वालों का ऐसे लोगों के लिए जन्नत है कैसे लोगों के लिए जिनका अभी पीछे तस्करा हुआ है कि ऐसे लोगों के लिए जन्नत है ऐसे बागात के जिनके नीचे नहरें बह रही हैं अल्लाह अकबर कबीरा तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों का पीछे जिक्र किया है ना पीछे ये पूरा मजमून चला आ रहा है ये पूरी जो हमारी पिछली तफसीर है उसमें हमने सब आपको बताया था कि वो अतात करते हैं अल्लाह की वो अतात करते हैं रसूल की और फिर क्या करते हैं जल्दी करते हैं मफफरत तलब करने में अल्लाह ने उनके लिए बहुत लंबी चौड़ी जन्नत बना रखी है तैयार की है मुत्तकीन कौन लोग हैं मुत्तकी हैं? और फिर खर्च करते हैं अल्लाह की राह में और तकलीफ में भी कम ज्यादा हर हाल में कभी शिकवा शिकायत नहीं करते मेरे पास तो इतना है ही नहीं मैं क्यों खर्च करूं अल्लाह के रस्ते में मैं तो खुद इतनी गरीब हूँ नहीं अल्लाह हर हाल में राजी हर हाल में खुश है जिस हाल में अल्लाह रखा उसी में से और फिर गुस्सा आता है किसी भी बात पे पी जाते हैं गुस्से को दरगुजर कर देते हैं जब्त कर लेते हैं दरगुजर करते हैं दूसरों की गलतियों को पकड़ के लटक नहीं जाते उसके साथ बैठ नहीं जाते नहीं मैं तो कभी भी नहीं माफ कर सकती मैं तो कर ही नहीं सकती नहीं माफ करते हैं लोगों को यानी ना और फिर अल्लाह ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल् मोसिनिन अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से और उन्हीं की सिर्फ आगे बताते हुए अल्लाह ने कहा कि जब वो कुछ बुराई हो जाए कोई जुल्म हो जाए कोई गुनाह हो जाए तो फिर देर नहीं लगाते माफी मांगते हैं लिज़ुनूब ही हम अपने गुनाहों पर और फिर अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं और वो जो कर बैठते हैं फिर उस पर जम नहीं जाते कि वो इसरार नहीं करते रहते जो उन्होंने किया होता है वो जानते होते हैं कि फौरन अल्लाह से माफी मांगनी है तो फिर अल्लाह ने आयत नंबर थर्टी वन थर्टी सिक्स में उन्हीं की इनाम के तौर पर ये बात बताई कि उलाई का जजा उहम यही लोग हैं ये जिनके बारे में मैंने सारी बातें बताई है ना कुरान से पढ़ के यही लोग हैं बदला उनका मगफिरतुन बख्शिश है ये सारी जिन सारी जिनमें खूबियां हैं ना अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन खूबियों के जो मालिक हैं उनके लिए फिर बख्शिश है मे रब अपने रब उनके रब की तरफ से अल्लाह अकबर में रब उनके रब की तरफ से यानी कि अल्लाह ताला के कहने का अंदाज देखे कितना खूबसूरत है कि उनके रब यानी रब तो फिर उनका हो गया ना जो अल्लाह से माफी मांगते हैं, तोबा करते हैं और पलट आते हैं अपने रब की तरफ फिर रब भी उनका हो जाता है और फिर उन्हें बदला क्या देता है किसकी तरफ से उनके रब की तरफ से मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से खास उन्हें बख्शिश मिलती है और न सिर्फ बख्शिश बल्कि वह जन्नात उन तजरी और जन्नात कहते हैं जन्नत को बाघात यानी कि बाघात है जमा का सीखा है बाघात है तजरी बहती हैं मिन तहतिहल अनहार उनके नीचे नहरें ये उन लोगों के लिए अजर है ये उन लोगों का बदला है और और उसके नीचे नहरें बहती हैं और वो खालिदीना बिया हमेशा रहेंगे उसमें कभी नहीं निकाला जाएगा उन्हें और इतना कोई हसीन नजारा होगा कि नीच... खास तौर तो पे जिक्र है ना कि उनके नीचे तो कुछ तो ऐसा लगता है ना कि या तो फिर उनके घर इतने ऊपर बाला खानों में होंगे कि ऊपर जब वो अपने घरों से देखेंगे तो नीचे नहरें बहती होंगी ये या या तो जन्नत का मंजर तो अल्लाह ही जाने उसे तो किसी आंख ने देखा नहीं लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि हो सकता है कि शायद उस फ्लोर के नीचे नहरें बहती हों और फ्लोर ही कुछ इस तरह का हो फर्श ही कुछ इस तरह का हो कि जैसे आपने देखा ना शीशे का फर्श हो और नीचे नहर बहती कितनी हसीन लगे या फिर बुलंद मकाम घर हो और इतनी दूर तक जहां नजर पड़े तो नजारा ही नजारा हो नीचे नहरे बहती हो ये तो ही को पता है कि उसका खास तौर पर जिक्र आया ना तहती हल अनहारहती हल अनहार उनके नीचे ऐसे बागात होंगे कि ऐसे उनके उनको फिर ये इनाम दिया जाएगा कि उसमें उसके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उसमें ये कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दिन नहीं खालिदीन फीहा हमेशा रहने वाले हैं अजरुल अजराम और कितना अच्छा है अजर अमल करने वालों का अल्लाह ने तारीफ भी की है देखें जरा कितना अच्छा अजर है खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नियमा अजरुल आमिलीन जो ये अमल करते हैं जो पीछे मैंने अमल दोहराए ना में देर नहीं लगाते हर अच्छे वक्त में भी अल्लाह के गुजार रहते हैं, बुरे वक्त में भी खुशी में भी गम में भी, माफी में देर नहीं लगाते दिलों में गुस्सा रख के, कीना रख के बहुत रख के कीना कपट रख के बैठे नहीं रहते माफ करते हैं बार बार में दोहरा रही हूँ उन चीजों को क्यों क्योंकि अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल करे जिन लोगों के लिए अल्लाह ने कहा कि यही लोग हैं जिनका बदला मकफरत है मेरू अब भी हम अपने रब की तरफ से और उनके घर बागात होंगे ऐसे ऐसे कि उनके नीचे नहरें बहती होंगी एक तो बाग़ात आप जरा तस्वुर करें बागात और फिर नीचे नहरें बहती होंगी और फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे आप जरा सोचे ना कि हम किसी पिकनिक पे चले जाते हैं न हम किसी खूबसूरत मुकाम पे जहाँ सब्जा हो जहाँ पानी हो यकीन करें कि घर की आराम लाइफ को छोड़ के हम वहां जाते हैं एक दिन के लिए और वापस आने को दिल नहीं करता तो अल्लाह को पता है ना हमारी नेचर कि ये जब खूबसूरत मुकाम पे जाते हैं कि वो इंसान है फिर इनका वहां से निकलने को दिल नहीं चाहता तो अल्लाह ने फौरन बता दिया साथी के उनके घर ऐसे खूबसूरत मुकाम पर होंगे हमेशा रहेंगे उसमें खालिदी हाँ डरना नहीं कि हमें वापस जाना होगा नहीं हमेशा रहेंगे ऐसा होता है ना हम चाहते हैं ना कि हम हमेशा जवान हो तो खूबसूरत हो हमारे पास ये नेमतें हों वो नेमतें हों और फिर रहे हमेशा तो फिर ये काम करने होंगे कौन से दोबारा दोहरा देती हूँ कि अल्लाह ताला से मकरत तलब करनी होगी खुशी में भी खर्च करना जो अल्लाह ने दिया वक्त दिया सरमाया दिया औलाद दी पैसा दिया कोई सलाहियत दी कुछ भी दिया इलम दिया ताकत दी बोलने की पढ़ने की पढ़ाने की जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर राजी रहो उसमें से खर्च करो वही लोग हैं जिनका पीछे तस्करा हो गया है ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है दोबारा दोहरा रही हूँ कि वो लोग खर्च करते हैं खुशी में भी तकलीफ में भी यानी ये नहीं की तो खुशी में तो चलो अल्लाह की में किया तक थोड़ी सी कमी हो गई कोई जॉब चली गई कोई मसला हो गया नहीं भाई अब हम अल्लाह की में खर्च नहीं कर सकते नहीं अल्लाह ने कहा खुशी में भी करते हैं तकलीफ में भी करते हैं और काज जब्त करते हैं गुस्से को आज की दुनिया में देखिए लोग गुस्से को जब्त नहीं करते कहते हैं मुझे बहुत गुस्से वाली हूँ मैं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी जरा सा कुछ हो के तो दिखाए तो अल्लाह के यहाँ से दर्जा कम हो जाता है गुस्से को जब्त करना कितनी बड़ी नेकी है कितना बड़ा अजर है जब्त करते हैं गुस्से उस, को और आफीना दरगुजर करने वाले हैं, किसको लोगों को अल्लाह अकबर आज आप देखिए कि माफ़ी की जब दर्श दिया जाता है लोग कहते हैं मैं सब कर सकती हूँ मैं माफ़ नहीं कर सकती सताया मुझे बहुत है तो अल्लाह ने जब यहाँ बता दिया कि दरगुजर करने वालों के लिए जो लोगों को दरगुजर करेंगे कितना खूबसूरत इनाम है तो माफ़ कीजिए सबको कुरान का पैगाम गौर से सुनिए दिल में उतारिए अमल में उता कि जो जो कुछ अल्लाह ने दिया है जो सलाहियतें ताकतें जो इनामत जो नेमतें उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करें खुशी में भी तकलीफ में भी हर हाल में अल्लाह से राजी रहे खुश रहें गुस्सा जब्त करें आफीन करें दरगुजर करें लोगों को खास तौर पर माफ करें और अल्लाह से ये उम्मीद रखें कोई भी काम ऐसा हो जाए अल्लाह से तोबा करें अल्लाह के जिक्र में लग जाए फसत फिर माफी मांगे लिजुनू भी हम अपने गुनाहों पर और अल्लाह ताला के सिवा कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं इसलिए इस बात का यकीन रखें युसर इसरार नहीं करें वो इसरा वलम युसर अल्लाह ने फरमाया ना कि वो नहीं करते जो अमल वो कर बैठते हैं तो फिर ऐसे ही लोगों का में अपना हो जाता है जब हम ये सारे काम करते हैं रब तो हमारा है लेकिन रब की कुर्बत नसीब हो जाती है मोहब्बत नसीब हो जाती है क्यूँकि ने फरमाया कि वह मोहसिन मैं एहसान करने वालों से मोहब्बत करता हूँ देखिए किसी को माफ कर देना दरगुजर कर देना ये भी दूसरे पर एहसान है और ये दूसरे पर एहसान हम दूसरे के लिए नहीं अपने लिए करें कि अल्लाह की मोहब्बत अगर हमें चाहिए मेरे और फिर अपने रब की तरफ से बाग है उनके नीचे नहरे बहती हैं खालिदी हमेशा हमेशा कभी ना खत्म होने वाली और अल्लाह ने फरमा दिया वेमिलीन वो कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का तो जिस अजर को अल्लाह ताला ने अच्छा कह दिया आयत नंबर क्लोज हो रही है तो यहाँ अल्लाह ताला ने जब कहा कि वह न्यामा आमिलीन वो वो अज़र है कितना अच्छा तो आप ये सोचिए कि वो फिर कितना अच्छा अज़र होगा बदला अजर कहते हैं ना जब जो लोग दुनिया में ये अमल इख्तियार करेंगे और इस बात पर चलेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने जो नक्शा खींचा है कि ऐसा होगा उनके साथ और फिर अल्लाह ने खुद ही तारीफ कि ऐसा जो अमल करेंगे उनका कितना जबरदस्त अजर होगा तो कितना अच्छा अजर होगा तो अल्लाह तला जिस अमल की तारीफ कर रहे हैं तो फिर आप सोचे ना जरा कि कितना बेहतरीन बदला अल्लाह देंगे ऐसे लोगों को तो यहाँ पर मैं इस आयत के ऊपर आयत का पैगाम है जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ और बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि इतनी अहम तरीन आयात है देखिये अल्लाह की रजा के काम कितने आसान से काम है देखने से आ, आप इसको अपने आज के माशरे पे रख के देखिए लोग कहते हैं जितनी भी पैसा आ जाए जो भी सलाहियत आ जाए कहते हैं ये तो हमारी है हमने देखे जबकि अल्लाह दे के आजमाता है कि तुम करते हो खर्च अल्लाह के रस्ते में क्योंकि अल्लाह ने कहा ना पीछे आयात में अल्लाह ताला नहीं पूरा मजमून चल रहा है ना कि लोगों के लिए जन्नत मैंने तैयार कर रखी है और वो मुतकी लोग हर हाल में अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं जो भी ताकत सलाहियत है जो भी पैसा रुपया जो भी उसको अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं फिर गुस्से को जब्त करते हैं तो हमने क्या करना है हमने इन दो आयात को जो इतनी डिटेल से पढ़ा तो हमने क्या सीखा सीखने की बात क्या है अमल की बात है लिख लीजिए अपने पास नोट कीजिए कि अगर हम मुतकी बनना चाहते हैं अल्लाह के तो जिनके लिए अल्लाह ने इतनी लंबी चौड़ी जन्नत बना रखी है तो फिर खर्च करना होगा खुशी में गम में गुस्से को जब्त करना होगा लोगों को दरगुजर करना होगा अगर कोई बुराई का, का काम हो जाए तो उस पर डटे नहीं रहना है बल्कि अल्लाह से माफी मांगनी है अल्लाह का जिक्र करना है तोबस अखबार करनी इस बात का यकीन रखना है कि अल्लाह ही हमें माफ़ करने वाला है उसके सिवा कोई माफ करने वाला नहीं जब अल्लाह राजी हो सारा सब हर हाल में सभी राजी खुद खुद हो जाते हैं और अल्लाह नाराज़ हो तो फिर अल्लाह की नाराजगी मोल लेके हम दुनिया को चाहे जितना भी राजी करें कोई फायदा नहीं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अच्छे अमाल करते हैं इस तरीके के तो फिर वही लोग हैं ये वही लोग हैं उलाय का जजाऊ बदला उनका मफफरत है फिर अल्लाह ने भी बता दिया कि मैं भी फिर उनको मफफरत देता हूँ तो फिर हमने ये सीखा कि हमें यकीन रखना चाहिए कि जब अल्लाह से हम तोबा करते हैं तो अल्लाह ताला मफफरत देते हैं मफ़रत बख्शिश देते हैं और फिर अल्लाह ताला उनके लिए आखरत में बेहतरीन घर देंगे जिन ऐसे बाग़ा के जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा रहने के लिए होंगे और फिर अल्लाह ने फरमाया कि वो कितना बेहतरीन अजर है तो यकीनन ये कितना बेहतरीन अजर है कि जब हर गम से निजात होगी हर मुश्किल से जात होगी और एक खूबसूरत तरीन जगह घर देगा और हमेशा रहने के लिए दे देगा, तो कितना बैठे है ये जो दुनिया है इसी के अंदर ही तो ये अमाल है की लोगों को माफ करना खुशी में गम में हर हाल में खर्च करना लोगों को दरगुजर करना दूसरों पर एहसान करना बुराई हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगना और अल्लाह पर यकीन रखना कि उसके सिवा कोई माफ करने वाला नहीं तो कितना बेहतरीन अजर है तो हमें इन अमाल को अमल करने की इन अमाल पर अमल करने की तौ, तौफीकता हो मैं दुआ करती हूँ और अपने पास नोट कीजिए और इन सारे अमाल को करने में देर न लगाइए सुबह नम देख नश्ल वरम्ह वरक